सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, यानी भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है, तो गोवा में 8.9% लोग बेरोजगार हैं, केरल में 8.8% लोग बेरोजगार हैं, नागालैंड में 7.8% लोग बेरोजगार हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 6.7% लोग बेरोजगार हैं, मेघालय में 6.6% लोग बेरोजगार हैं, अरुणाचल प्रदेश में 6.5% लोग बेरोजगार हैं, मणिपुर में 6.5% लोग बेरोजगार हैं, हिमाचल प्रदेश में 6.2% लोग बेरोजगार हैं, पंजाब में 6% लोग बेरोजगार हैं, तेलंगाना में 5.1% लोग बेरोजगार हैं, उत्तराखंड में 4.9% लोग बेरोजगार हैं, राजस्थान में 4.7% लोग बेरोजगार हैं, आंध्र प्रदेश में 4.4% लोग बेरोजगार हैं, असम में 4.3% लोग बेरोजगार हैं, तमिलनाडु में 3.9% लोग बेरोजगार हैं, हरियाणा में 3.6% लोग बेरोजगार हैं, महाराष्ट्र में 3.6% लोग बेरोजगार हैं, ओडिशा में 3.5% लोग बेरोजगार हैं, उत्तर प्रदेश में 3.4% लोग बेरोजगार हैं, बिहार में 3.3% लोग बेरोजगार हैं, कर्नाटक में 2.9% लोग बेरोजगार हैं, पश्चिम बंगाल में 2.8% लोग बेरोजगार हैं, छत्तीसगढ़ में 2.7% लोग बेरोजगार हैं, सिक्किम में 2.6% लोग बेरोजगार हैं, मिजोरम में 2.4% लोग बेरोजगार हैं, दिल्ली में 2.1% लोग बेरोजगार हैं, त्रिपुरा में 1.8% लोग बेरोजगार हैं, झारखंड में 1.4% लोग बेरोजगार हैं, गुजरात में 1.2% लोग बेरोजगार हैं। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य गोवा है, जो कि बेरोजगारी के मामले में पहले स्थान पर है। गोवा के बाद केरल दूसरे स्थान पर है, केरल के बाद नागालैंड तीसरे स्थान पर है, नागालैंड के बाद जम्मू एंड कश्मीर चौथे स्थान पर है, जम्मू एंड कश्मीर के बाद मेघालय पांचवें स्थान पर है, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश छठवें स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर सातवें स्थान पर है, मणिपुर के बाद हिमाचल प्रदेश आठवें स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब नवें स्थान पर है, पंजाब के बाद तेलंगाना दसवें स्थान पर है, तेलंगाना के बाद उत्तराखंड ग्यारहवें स्थान पर है, उत्तराखंड के बाद राजस्थान बारहवें स्थान पर है, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश तेरहवें स्थान पर है, आंध्र प्रदेश के बाद असम चौदहवें स्थान पर है, असम के बाद तमिलनाडु पंद्रहवें स्थान पर है, तमिलनाडु के बाद हरियाणा सोलहवें स्थान पर है, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र सत्रहवें स्थान पर है, महाराष्ट्र के बाद ओडिशा 18वें स्थान पर है, ओडिशा के बाद उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार 20वें स्थान पर है, बिहार के बाद कर्नाटक 21वें स्थान पर है, कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल 22वें स्थान पर है, पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ 23वें स्थान पर है, छत्तीसगढ़ के बाद सिक्किम 24वें स्थान पर है, सिक्किम के बाद मिजोरम 25वें स्थान पर है, मिजोरम के बाद दिल्ली 26वें स्थान पर है, दिल्ली के बाद त्रिपुरा 27वें स्थान पर है, त्रिपुरा के बाद झारखंड 28वें स्थान पर है, झारखंड के बाद गुजरात 29वें स्थान पर है। बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जो ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो रोजगार के योग्य हैं और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। बिना योग्यता के नौकरी की तलाश करना बेरोजगारी नहीं कहलाती है। जब आपको कोई भी काम न मिले, जैसे घर बनाने के
लिए लेबर वर्क, होटल पर वेटर का काम, किसान के खेतों में फावड़ा चलाना, दुकान पर हेल्पर का काम या किसी कंपनी में हेल्पर का काम भी ना मिले तो उस जगह पर आप बेरोजगार कहलाएंगे। ना कि आप सरकारी नौकरी की तलाश में थे और ना मिलने पर आप बेरोजगार हैं। इसे आसान भाषा में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है जो 10वीं में पढ़ रहा है और आप उसे जब सड़क पर घूमते हुए देखते हैं तो उसे बेरोजगार की दृष्टि से देखते हैं। उसका कर्तव्य है अभी और पढ़ाई करना, इसीलिए वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा। और क्या आप जानते हैं कि किस राज्य की जीडीपी कितनी है? अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि किस राज्य की जीडीपी कितनी है। या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य कौन सा है।